Hey guys, this is Badruzzaman Uri. Welcome back to my channel. ये वीडियो थर्ड पार्ट रहेगा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का. इससे पहले हमने दो पार्ट्स देखे हैं इसके, वो नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखिए, उसके बाद ही यहाँ पर आइए, क्योंकि कंटिन्यूशन है उन दो पार्ट्स का. चलिए देखते हैं आज हम क्या देखेंगे. सनसेक्स, हम कंटिन्यूस सुनते रहते हैं सनसेक्स निफ्टी आज ऊपर गया नीचे गिरा वगैरह वगैरह. तो सनसेक्स है क्या? सनसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है. टॉप 30 कंपनीज के ग्रुप को सनसेक्स कहते हैं. इन टॉप 30 कंपनीज के परफॉर्मेंस पर इसका परफॉर्मेंस डिपेंड होता है. मार्केट का एक मूड माहौल देखने के लिए इंडेक्स देखा जाता है. तो ये टॉप 30 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज का इंडेक्स है जिसे सनसेक्स कहते हैं. तो चलिए देखते हैं निफ्टी 50 क्या है. निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप, यानी के टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है जिसे हम निफ्टी 50 कहेंगे. ये भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मूड माहौल देखने के लिए इंडेक्स को देखा जाता है. इसमें ट्रेड भी होता है ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ये है निफ्टी 50, जिसमें हमें पता चलता है कि टॉप 50 कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें भी ट्रेड होता है, इसीलिए मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ. बैंक निफ्टी भी NSE का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टॉप 12 बैंक्स होते हैं इस इंडेक्स में. इस ग्रुप में टॉप 12 बैंक्स को निफ्टी 50 कहा जाता है. बैंकिंग सेक्टर का अगर परफॉर्मेंस देखना है तो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स को देख सकते हैं. चलिए बात करते हैं मार्केट के टाइमिंग्स के ऊपर. इक्विटी स्टॉक शेयर्स या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इनकी टाइमिंग्स होती है 9:15 से लेकर 3:30 तक. नॉर्मल मार्केट टाइमिंग होती है सुबह 9:15 से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक. एक छोटा सा प्री मार्केट सेशन भी होता है 9:00 से लेकर 9:08 तक, जिसमें हम लाइव ट्रेड नहीं कर सकते, जस्ट एडजस्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर. करेंसीज की टाइमिंग है 9:15 से लेकर 5:00 तक, शाम 5:00 तक इसकी टाइमिंग होती है. कमोडिटीज की टाइमिंग है 9:00 से लेकर शाम के 11:30 तक, रात की 11:30 तक. कमोडिटीज बहुत देर तक खुला रहता है इसका मार्केट, सुबह से लेकर रात तक आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए. सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका आधार कार्ड. आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए. आधार कार्ड लगेगा आपको, पैन कार्ड लगेगा आपको, और एक आपका सिग्नेचर, आपका लाइव फोटोग्राफ, वो जो भी ब्रोकर होगा उसके ऐप या वेब के जरिए ही आपका एक फोटो लिया जाएगा. आपके बैंक डिटेल्स लगेंगे आपको, जिसमें आपका IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट टाइप, ये चीज के डिटेल्स लगेंगे. एक आपको लगेगा प्रूफ ऑफ इनकम, जिसके अंदर आप एक सैलरी स्लिप दे सकते हैं, या फिर अपना ITR रिटर्न जो फाइल किए हैं वो दे सकते हैं, या फिर अपने बैंक का 6 महीने का स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं. इन सब चीजों के से आप एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं. साथ में इसके आपका एक KYC होगा, जिसमें आपको ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर उस वीडियो KYC में दिखाना होगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम थोड़ा सा अब टेक्निकल्स पर, फंडामेंटल्स पर, एनालिसिस पर हम बात करेंगे इसके बाद वाले वीडियोस में. थैंक यू.